नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह मेहरा और हाउ टू हिंदी डॉट इन के यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस हाउ टू वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है एम कनेक्ट प्लस, उसमें अपना यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी एक यूनिक यूपीआई आईडी को जनरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप सभी लोगों को यह भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों को किसी को पेमेंट करनी है, फिर चाहे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप लोग उनको पेमेंट करना चाह रहे हैं या फिर यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करते हुए आप लोग उनको पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कैसे उनको आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को किसी से पेमेंट को रिसीव करना है तो आप लोग कैसे अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू उनसे पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं और उनको पेमेंट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, या फिर आप लोग कैसे क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हुए किसी से पेमेंट लेना चाहते हैं तो क्यूआर कोड को जनरेट करके उनसे आसानी से पेमेंट को ले सकते हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसको कैसे करना है तो फिर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर से देखिए, हम अपने मोबाइल फोन पे आ चुके हैं। अब आप लोगों को अपने मोबाइल फोन से बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है एम कनेक्ट प्लस, आप लोगों ने इसको लॉन्च कर लेना है और आप लोगों ने इस एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लेना है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आप लोग इससे पहले बनाए हुए मेरे वीडियो को देख लीजिए, जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आप लोग इसमें कैसे अपने अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। अब आप लोग इस एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लीजिए। मैं इस एप्लीकेशन पे लॉगिन करता हूँ और अपना यहाँ पर से एप्लीकेशन का जो पासवर्ड है उसको एंटर करके इसमें लॉगिन करता हूँ। तो मैंने इस एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लिया है। अब आप लोगों को यहाँ पर से देखिए यूपीआई का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है न्यू। तो आप लोगों को अपने यूपीआई अकाउंट को सेटअप करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर से इस यूपीआई पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर ये आप लोगों से आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो अगर आप लोगों के मोबाइल फ़ोन पे दो सिम है तो आप लोग अपने उस सिम को सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप लोगों के बैंक में रजिस्टर है। तो मेरे उसमें आइडिया है तो मैं यहाँ पर से ऑप्शन टू को सेलेक्ट कर लेता हूँ और आप लोगों का मोबाइल नंबर यहाँ पर उठ के आ जाएगा और फिर आप लोगों को यहाँ पर से सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के मोबाइल फ़ोन से एक SMS जाएगा बैंक को और बैंक अगर वहाँ पर से उसको वेरीफाई करता है तो फिर आप लोग इस एप्लीकेशन में आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक करा उसके बाद हम लोगों को इसने रजिस्टर वाले पेज पे भेज दिया जहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर ये खुद उठा के लेके आ गया है और मेरे से यहाँ पर नाम एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप लोगों का मोबाइल नंबर इसने खुद फैस नहीं किया तो आप लोग यहाँ पर से उसको एंटर कर लीजिए और अपना नाम यहाँ पर एंटर कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से अपना नाम जो है वो इसमें एंटर कर देता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो मैंने इसमें अपना नाम जो है वो एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा तो उसके बाद यहाँ पर ये हम लोगों से बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर से अपना जो बैंक है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर से बैंक ऑफ बड़ौदा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा को सेलेक्ट करा तो उसके बाद यहाँ पर ये मेरे से मेरा अकाउंट जो है वो सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ये मेरा जो बैंक अकाउंट है उसको खुद ही फैच करके लेके आ गया है और उसके बाद यहाँ पर ये मेरे से अपनी जो यूपीआई आईडी है उसको क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। तो मेरी जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर से मेरे को कुछ सजेशन भी दिखा रहा है जिसमें मेरा मोबाइल नंबर @BadodaMP है और उसके बाद सुंदर सिंह मेहरा @BadodaMP है और उसके बाद सुंदर सिंह मेहरा ये फिर एक नंबर है और BadodaMP है। तो आप लोग यहाँ पर से डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को अगर इनमें से कोई सेलेक्ट करनी है तो आप लोग इनको सेलेक्ट कर लीजिए या फिर आप लोगों को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कुछ रखनी है तो आप लोग उसको यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं अपनी जो UPI ID है उसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर से नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो मैंने यहाँ पर से अपनी जो UPI ID है उसको एंटर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा तो उसके बाद ये मेरे से मेरी ईमेल आईडी को एंटर करने के लिए बोल रहा है और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आप लोग यहाँ पर से अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए और ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है इसमें से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको एग्री करना होगा और फिर सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालता हूँ और उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि भविष्य में अगर हम लोग कभी अपना पासवर्ड भूल गए तो हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर से इसमें एंटर कर देता हूँ अपनी ईमेल आईडी और सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर से अपनी ईमेल आईडी भी डाल दी है और सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सेलेक्ट कर लिया, उसका आंसर भी डाल दिया और इनके टर्म्स एंड कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर से सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक करा तो मेरे पास यहाँ पर मैसेज आ गया जिसमें लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, योर यूपीआई रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। अब मैं यहाँ पर से ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर से देखिए, हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एम कनेक्ट प्लस में अपना सक्सेसफुल यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिस प्रकार हम लोग गूगल पे में करते हैं, फोन पे में करते हैं और भी जितनी भीम एप्लीकेशन है, यूपीआई एप्लीकेशन है, हम लोग उनमें अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, वही रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने इसमें कर लिया है और हमारी जो यूपीआई आईडी है वो जनरेट हो चुकी है।
तो ये जो मेरी UPI ID है, इसी UPI ID के थ्रू मैं किसी को पेमेंट कर भी सकता हूँ और किसी से पेमेंट रिसीव भी कर सकता हूँ। जैसे हमारी ईमेल ID होती है, उसी प्रकार UPI ID होती है। ईमेल ID के थ्रू हम लोग किसी को ईमेल कर सकते हैं या फिर किसी से ईमेल को रिसीव कर सकते हैं, वैसे ही UPI ID के थ्रू हम लोग किसी को पेमेंट कर सकते हैं और किसी से पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। और यहाँ पर से देखिए, बैंक की जो भी एप्लीकेशन होती है उसमें मेन दो काम होते हैं, या तो किसी को पेमेंट करनी है या फिर किसी से पेमेंट को रिसीव करना है। पेमेंट का अगर आप लोगों को किसी को करनी है तो आप लोगों के पास यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों को पे मिलता है, दूसरा स्कैन QR का मिलता है। तो पहले हम लोग पे की बात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पर से पे पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप लोग किसी को पेमेंट करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप लोग किसी को UPI ID के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। IFSC के थ्रू करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। IFSC में क्या होगा, आप लोगों ने जिसको भी पेमेंट करनी है उनका अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, अमाउंट एंटर करना होगा, प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, फिर IFSC डालना होगा। तो आप लोग यहाँ पर से IFSC के थ्रू पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। UPI ID के थ्रू आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ UPI ID यहाँ पर उनकी एंटर कर देनी है जिसको भी आप लोगों ने पेमेंट करना है, और फिर चाहे उनका अकाउंट गूगल पे में हो, अपनी बैंक की एप्लीकेशन में हो, तो उनके पास UPI ID होनी चाहिए पेमेंट को रिसीव करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर से उनकी UPI ID ले लीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, रिमार्क अपने याद रखने के लिए डाल दीजिए और पे पे क्लिक कर दीजिए। तो ये जो तरीका है आप लोग UPI ID के थ्रू पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर पेमेंट करने का स्कैन QR कोड है। अगर आप लोगों को किसी को पेमेंट करनी है QR कोड के थ्रू तो आप लोग यहाँ पर से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग किसी दुकान में आप लोग कुछ खरीदते हैं, वहाँ पर QR कोड आप लोगों को दिखता है, तो आप लोग इस QR कोड को आप लोग स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पेट्रोल पंप में मिल जाएगा, आजकल तो हर छोटी छोटी शॉप में भी आप लोगों को QR कोड देखने को मिल जाता है, तो आप लोग उस QR कोड को यहाँ पर से स्कैन कर सकते हैं और उनको पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर से इसको करता हूँ बैक, और फिर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर होम पे। अब यहाँ पर से देखिए, अगर आप लोगों को किसी से पेमेंट को लेना है तो पेमेंट लेने के लिए भी दो तरीके हैं। तो आप लोग यहाँ पर से कलेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग कलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग दो तरीके से पेमेंट जो है वो ले सकते हैं। UPI ID के थ्रू आप लोग पेमेंट ले सकते हैं। अगर आप लोग को UPI ID के थ्रू किसी से पेमेंट लेनी है तो आप लोग यहाँ पर से जिससे भी आप लोग को पेमेंट लेनी है आप लोग उनकी UPI ID डाल दीजिए। अगर आप लोगों को जिससे पेमेंट लेनी है वो गूगल पे यूज़ कर रहे हैं तो उनसे बोलिए कि अपनी गूगल पे की UPI ID मुझे दे दीजिए। अगर वो भीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो भीम की UPI ID दे दीजिए। अगर वो पेटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेटीएम, और फ़ोनपे कर रहे हैं तो फ़ोनपे, मतलब जो भी UPI ID वो UPI एप्लीकेशन वो यूज़ कर रहे हैं उनकी जो भी UPI ID है वो यहाँ पर आप लोग उनसे ले लीजिए और अमाउंट यहाँ पर से डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर से इसकी जो डिफ़ॉल्ट एक्सपायरी है वो 30 मिनट है। 30 मिनट के अंदर अंदर अगर उन्होंने आप लोगों को पेमेंट नहीं की तो ये एक्सपायर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर रिमार्क डाल दीजिए कि आप लोग पेमेंट क्यों लेना चाहते हैं अपनी याद रखने के लिए। तो आप लोग यहाँ पर से उनकी UPI ID ले लीजिए और उसको यहाँ पर एंटर कर दीजिए। दूसरा तरीका यहाँ पर से है QR कोड का। तो आप लोगों को अगर किसी से पेमेंट लेनी है और आप लोग उनको QR कोड भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर से QR कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो UPI ID है, इस UPI ID में, ये मेरी UPI ID है, इस UPI ID के थ्रू मेरे को पेमेंट आएगी और यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, अमाउंट डालूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर से 10 डाल दिया, तो मैंने यहाँ पर से 10 रुपये डाल दिया और मैंने रिमार्क में यहाँ पर से टैश डाल दिया। तो यहाँ पर से देखिए, अब मेरे को क्या करना होगा, जनरेट QR पे क्लिक करना होगा। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। जनरेट QR पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर से ये जो QR कोड है वो बन चुका है और ये 10 रुपये का QR कोड है। तो जो भी इस QR कोड को स्कैन करेगा वो फिर मेरे को 10 रुपये की पेमेंट जो है वो कर सकता है। तो अगर आप लोग इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर से इस QR कोड को स्कैन कीजिए और मेरे को 10 रुपये की पेमेंट जो है वो आ जाएगी। मैं बैक नहीं करूँगा, आप लोग ध्यान दीजिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर से ऐसे करके आप लोग जो QR कोड है वो बना सकते हैं किसी से पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इसको बैक करता हूँ। और यही दो मेन चीज़ें होती हैं, किसी को पेमेंट करना है या फिर किसी से पेमेंट को रिसीव करना। तो अगर आप लोग अपनी UPI प्रोफाइल देखना चाहते हैं तो मोर पे क्लिक कर लीजिए और फिर आप लोग यहाँ पर से अपनी प्रोफाइल जो है वो देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि आप लोग कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की MConnect एप्लीकेशन में अपना UPI रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर सकते हैं और अपनी UPI ID को जनरेट कर सकते हैं। और किसी को पेमेंट करनी है तो आप लोग UPI ID का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट को आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों के काम आया तो आप लोगों ने यहाँ पर लाइक बटन पर क्लिक कर इसको जरूर लाइक कर देना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों के बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर MConnect से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों के हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल से संबंधित कोई भी सुझाव है तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित और बैंकिंग से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हाउ टू वीडियो देखने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक का हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बनी घंटी को जरूर से दबा लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए। इससे होगा ये कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे हाउ टू हिंदी में उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और फिर आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।